आदेश के अनुसार से अमान ने कोई का मुआयना किया। आदेश द्वारा शुरू किया, अंपायर को पार किया, गेंद डाली, अच्छी गेंद थी, समझ नहीं सके, विकेट कीपर ने गैदर किया, फिर बॉलर के पास, तो बैल पारा बड़ा मैं रॉयल स्टार के वॉलंटियर से इल्तिमास करो कि अपनी जगह संभाले, बाउंड्री लाइन के बाहर दे रहे। आदेश आदेश जो अपनी टीम की जानी से पहली ओवर, अपनी टीम की अपनी जानी से पहली ओवर दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, गेंद डाली, अच्छी गेंद थी, समझ में सके, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, इस वाइड बॉल की सूरत में टीम का खाता खुलता हुआ। अभी भी दोनों बल्लेबाज को अपना खाता खोलना है। आदेश ने दो जो कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, आदेश का सामना करने के लिए आदेश कुछ फील्ड में तब्दील करते हुए दानों को अपना खाता खोलना बाकी है और अपनी टीम का स्कोर बढ़ाना बाकी है। पहली मरतबा आदेश केवर शायन से हल्के हल्के कदमों से दानों फील्ड का मुआयना करते हुए पहली मरतबा आदेश के लिए आदेश केवर शायन से राइट और विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, गेंद डाली, इतनी अच्छी ब्लॉकल में गेंद थी, इतनी अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंद कराई, पहली गेंद भी अच्छी कराई थी, दूसरी गेंद वाइड डाली, तीसरी गेंद अच्छी कराई, इसी के साथ दो गेंद हो चुकी है, बढ़ता हुआ स्कोर दो रन। अभी भी दानों को अपना खाता खोलना बाकी है, अमान को अपना खाता खोलना बाकी है। नादगांव की जानब से दोनों भी अपने बल्लेबाज आए हुए हैं, दानो जो कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, आदेश अच्छी गेंद करा रहे हैं, अभी भी दो गेंदें डाली, अच्छी डाली, रोहन शायन से हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद की और अच्छी गेंद कराते हुए और इसी के साथ एक बार के समय में एक रन अंपायर का इशारा। अभी भी तीन गेंद हो चुकी है, बढ़ता हुआ स्कोर तीन रन। आदेश अभी भी दानों का अपना खाता खोलना बाकी है, केवर शायन से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और ये दौड़ कर एक रन मुकम्मल किया, इसी के साथ दानों ने अपना खाता खोला, अपने टीम को पहुंचाया चार रनों पे। अभी अमान को अपना खाता खोलना बाकी है, आदेश ने अभी भी अच्छी गेंद कराई है, अपने टीम की तरफ से पहली बार और अपने खुद की जाति पहली बार एक दरिया की जानब से लेके आए, फिर से एक मरतबा गगन श्याम से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, एक अच्छी गेंद लगी, रन आउट का चांस हो सकता था, मिस फील्ड होने की वजह से दौड़ कर एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के दौड़ और दो रन मुकम्मल, इस दो रनों से बढ़ता हुआ स्कोर छह रन। अभी भी लाभ यह आना कि आज की जानब से अगर ये मैच जीतना है तो दानो और अमान को धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी। पहली बार के पांच गेंद हो चुके हैं, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, पटकी हुई गेंद थी और अंपायर का इशारा नो बॉल, इस नो बॉल से बढ़ता हुआ स्कोर सात रन। अच्छी गेंद है आदेश, अंपायर का इशारा आखिरी फैसला होगा। ये उधर देखो, देखिए
अंपायर का फैसला आखिरी फैसला होगा और कंपल्सरी चेस है, ये दोनों भी कप्तान जहन नशीन कर ले। आदेश ने अच्छी गेंद डाली, अभी भी रोके रखा है नागदेव को, फिर से एक मरतबा दोनों शूट किया, अंपायर को पार किया, गेंद डाली और यकीन है एक रन, इस एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। आदेश के ओवर का खात्मा, स्कोर है 8। अपनी खुद की कोटे की पहली ओवर दानों के लिए, दानों के लिए तैयार है। 18 ओवर के दानों शुरू किया, अंपायर को पार किया, गेंद डाली, फोटा और गेंद, यकीन ये देखना है कैच आउट, बेहतरीन कैच लिया। इसी के साथ दानों को इनिंग का खात्मा। थैंक यू डीजे। अभी भी अमान पहली मरतबा खेलने के लिए तैयार, गेंद डाली और यकीन नहीं बेहतरीन कैच, अभी हैट्रिक के करीब है, हैट्रिक के करीब है, अभी देखना है पंटी के 2 विकेट ले चुके हैं, 2 गेंदों 2 आयु 2 गेंदों के 2 विकेट अमान को वापस कराया। अभी भी दूसरी ओर जा रही है, अभी देखना है हैट्रिक का चांस है, देखना है हैट्रिक रेट बात है क्या, और ये डिक्लेयर के सूरत में 1 रन, इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। अभी भी 3 गेंदें डाली, 3 गेंदों में 2 विकेट लिए और 1 रन दिए, बैट्समैन नेम प्लीज वलीद, वलीद ने अपना खाता खोला, अपने टीम को पहुंचा 9 रनों पे। फिर से एक मरतबा साइड चेंज करते हुए शुरू किया, अंपायर को पार किया, गेंद डाली और यकीन है क्या चाल, एक बॉल मिस वरना एक होती थी। इसी के बाद 4 गेंदें डाली, 4 गेंदों में 1 रन दिया। उसी तरह वलीद, वलीद नॉन स्टेप बैट्समैन नेम, वह बैट्समैन नेम अमजद, अमजद वलीद बॉलर, बॉलर बॉलर का नाम भावेश, भावेश के वर्षांत से दोनों शुरू किया, अंपायर को पार किया, गेंद डाली और यकीन है एक रन, इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। अभी भी एक गेंद आना बाकी, और भी करे बोले क्या ये और उठाकर मारा, यकीनन देखना ये बेहतरीन क्या। इसी के साथ भावेश ने 3 विकेट लिए इस ओवर में, 4 विकेट लिए, यकीन है ना अगर ये मैच विन होता है तो भावेश बिना अपने मैच के हकदार हो सकते हैं। सिद्धार्थ दाना शुरू किया, अंपायर को पार किया, गेंद डाली, यकीन नहीं होगी अच्छी गेंद थी, दौड़ कर रिटर्न मुकम्मल किया, इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। सिद्धार्थ अपनी पहली ओवर और अपने टीम के जाने से 3री ओवर लेके आए हैं, अभी भी नागवा नागुज स्थिति में खेलता हुआ, अगर ये मैच जीतना है नागवा को निराधार बल्लेबाजी करना होगी, क्योंकि एक तरह में बेहतरीन बल्लेबाजी है। फिर से एक मरतबा गवेश से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, गेंद डाली अच्छी गेंद थी, हिट करना चाहा लेकिन रन आउट पे जा सकता है, देखना है इतनी अच्छी फील्डिंग, दौड़ कर एक ओवर मुकम्मल किया, इस एक ओवर से बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन।
सौगात सौगात जो कि बेहतरीन बल्लेबाज है नागौर की जानिब से, देखना है अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। अभी भी चार गेंदें आने बाकी है उनके लिए। दौड़ना शुरू किया, हम पर कपार किया, पच्ची भी गेंद थी और ये बीट करा और ये रनों का चांस है। और देखना ये रन आउट अमीर सही की मस्त आगे बनाई का कॉमेडी बॉक्स में आए फिर कौन है जवाद अभी भी तीन दिन आना बाकी फवाद के लिए पहले ट्रेन डाली और फवाद जो डिलीट करने के लिए चक्कर में बीट होते हुए अभी भी दो दिन आना बाकी मिस कराते हुए चार गेंद हो चुकी है। केवन शर से दौरा शुरू किया, अंबर को पार किया, गेंद डाली और यकीन नहीं उठाकर मारा है। मैं पहले बता चुका हूँ कि फवाद एक बेहतरीन बल्लेबाज है और एक छह रन अभी भी लास्ट गेंद आना बाकी फवाद के लिए। देखना फवाद लास्ट गेंद में क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, पटकी हुई गेंद और ये बीट कराया। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19 अगर ये मैच जीतना है नागौर को। साहिल अरशद साहिल कैच संभाले हुए अर्थात मान क्या संभाले हुए अमान जो कि अपनी टीम की जाए से पहली ओवर और अपनी कोठे की पहली ओवर लेके साहिल के लिए अमान कैवन शाइन से गेंद डालने के लिए तैयार। फील्ड का मुआयना किया साहिल, पहली मरतबा अमन गेंद डालने के बाद दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और ये अच्छी गेंद थी प्लेसमेंट के साथ। एक रन दौड़ के मुकम्मल किया और दूसरे रन के लिए दौड़े और यकीन रन आउट का चांस हो सकता है और ये यकीन रन आउट। इसी के साथ रन आउट पहला सत्ता रखता हुआ तमजुद के खेलते हुए साहिल साहिल आदेश आउट है। बैट्समैन नेम अरशद सूरज सूरज साहिल दूसरी मरतबा टीम तैयार दौरा शुरू किया और ये यकीन है अच्छी शॉट मारी दौड़ कर एक रन मुकम्मल किया समझबूत के साथ खेलते हुए दोनों। साहिल अपना स्कोर दो, अपनी टीम का बाकी स्कोर दो। अरशद सूरज आलिशान नागवा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 रन बनाए, 20 रन का टारगेट दिया है। दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और यकीन है अंपायर का इशारा वाइड बॉल, इस वाइड बॉल से बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन। नो वाइड बॉल वाइड वाइड बॉल बड़ा मेहरबानी अंपायर से कोई बारिश ना करे। अमान फिर से एक मतलब गगनशान से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, गेंद डाली इतना अच्छा शॉट दौड़ कर एक रन मुकम्मल किया और इसके साथ ये दूसरे रन के लिए हुए और दूसरा रन मुकम्मल किया। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन
अभी भी 14 ओवर की जरूरत पहली ओवर जा रही है नागरों की जानी से। तीन गेंद हो चुकी है, तीन गेंदों में 6 रन मारे हैं। चलिए कुछ अज्ञान परिवर्तन करते हुए कमाल फिर से गेंदबाज तैयार, गेंद डाली और उठाते हुए यकीन ये कैच हो सकता है और ये कैच आउट दूसरा धक्का लगता हुआ नाइजीरिया को। हमेश उसी मास्क को कॉमेडी बॉक्स में आया, इसके बाद किसका मैच है बैट्समैन ने, बैट्समैन ने भावेश साहिल को समझदारी से खेलते हुए अभी भी छह रन के स्कोर पर इसको रुका हुआ और ये यकीन बॉडी लाइन के बाहर 6 रन। इसी के साथ अगर थैंक यू रिवे अभी भी लाल गेंद आना बाकी है और बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन, अभी भी 8 रनों की जरूरत और साइज के स्टैक पे डटे हुए हैं। बॉल दे महीने साबित होते हुए अमान जिन्होंने 12 रन दिया, अभी भी साहिल जो कि एक छक्का लगा के अपने क्रीज पे मौजूद है। अरे हाँ ये आओ आओ जाओ दोनों शो किया, अंपायर को पार किया और गेंद डाली और एक डॉट रही गेंद, उस डॉट के साथ अमान के ओवर का खात्मा। हमें किसका मैच है इनका स्वागत करो, इनाज का स्वागत करो, जो कि हमारे गांव के मुंशी इनाज फहीम ग्राउंड पे मौजूद मैच का मजा लेते हुए। बारह गेंदे आठ रन देखना है दाना अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और ये अंपायर का इशारा वाइड बॉल, इस वाइड बॉल से बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। दानों ने पहली गेंद डाली और वाइड कवर दी अंपायर ने अपनी लाठी को और पहली अपने टीम की जानिब से दूसरी ओवर लेके आए हुए हैं। फिर से एक मिनट बाद गगन शेर जी दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया हुआ यकीनन दौड़ कर एक रन मुकम्मल किया, दूसरे ओवर के लिए दौड़े और रन आउट का चांस लगता है देखना है और अमित दौड़ा दिया, इसी के साथ बढ़ता हुआ इसको पंद्रह रन, अभी 5 रनों की जरूरत, 11 गेंदे 5 रन। समझ बूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, समझ बूझ के साथ बॉलिंग करना होगा। दोनों फिर से एक बार दोबारा दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और ये अच्छा ब्लॉक आउट जब गेंद डाली थी और यकीन रन आउट का चांस है अभी देखना है, दौड़ कर एक रन मुकम्मल किया, इसी के साथ अभी भी 4 रनों की जरूरत। अलीशान नगर भी जाए से दूसरे गेंदबाज दानो दो बॉल है ना हाँ तो फिर 4 बॉल बाकी है, अभी भी छक्का लगा के साहिल ग्राउंड पे मौजूद है। साहिल को समझ बूझ के बल्लेबाजी करना होगी और दानों को भी समझ बूझ के गेंदबाज डालना होगी क्योंकि साहिल जो कि छक्का लगा के ग्राउंड पे क्रीज से मौजूद है और ये यकीनन इतने अच्छे स्टैंड पे अंपायर ने नकारा। अभी भी साहिल को चाहिए कि अपने टीम के लिए स्टैंड पे खड़े रहे, अगर मैच जिताना है तो और दानों को अच्छी गेंदबाजी करना होगी, अगर अपने टीम को जिताना होगा तो
फिर से एक मरतबा वैभव शहर से दौरा शुरू किया, हम पर व्यापार किया, अच्छा प्लेसमेंट क्रिकेट में, अच्छी प्लेसमेंट के साथ एक रन मुकम्मल किया साहिल ने। बॉलर पिच जाता है, चार विकेट। दानो फिर से एक मरतबा दानो फिर से एक अच्छा शॉट खेला, नीचे से तौर पर एक मुकम्मल किया, अभी भी जीत के लिए। अभी भी शायद लटे हुए ग्राउंड पे मुकम्मल किया, दूसरा रन मुकम्मल किया। इसी के साथ आलिशान नाजगार हार चुकी है और